अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों कहते हैं कि इंसानियत की कोई सीमा या सरहद नहीं होती। एक ऐसा ही केस मैं सरहद के उस पार से रखने जा रहा हूं आपके सामने। आपने ये केस देखना है, उसके लिए मतलूबा रकम देखनी है और उसके बाद वहां की आबादी देखनी है और वहां के बड़े बड़े अमीरों कबीरों का आपने दिल देखना है और फिर आपने अंदाजा लगाना है, फैसला करना है कि सरहद के उस पार के लोगों का दिल बड़ा है या इस पार के लोगों का दिल बड़ा है। दोस्तों कुछ दिन से एक टैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है, अयांश 16 करोड़ या हेल्प अयांश 16 करोड़ के नाम से। अब ये केस है क्या? देखिए केस ये है कि भारत का जो सूबा है बिहार, वहां से एक अयांश नाम का एक लड़का है जिसको जो है मस्कुलर प्रॉब्लम हुई है। अब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया है और वहां पे जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि जनाब इसके जो मसल्स हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं जिस्म के, और होगा ये कि अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो ये वन बाय वन जिस्म के हिस्सों से जो है हाथ धोता जाएगा और इन द एंड इसकी जो लाइफ है बाकी बची है, अगर इसका इलाज ना हुआ तो ये 1.5 या 2 साल बची है। अब उसके लिए पूछा गया कि इसका कोई हल भी है तो डॉक्टरों ने बताया जी कि इसका हल है लेकिन उसके लिए एक इंजेक्शन मंगवाना पड़ेगा यूके से और जो इंजेक्शन है उसकी जो कीमत है वो 16 करोड़ है। उसके लिए चूंकि वहां के वो जो अयांश लड़का है उसके वालदैन इतने जो है खाते पीते नहीं है कि वो इसको, वैसे भी ये काफी हैवी अमाउंट है लेकिन उसको वो अरेंज नहीं कर पा रहे थे। सुबह गवर्नमेंट से रब्ता हुआ लेकिन वहां पे खातों किताबत के अलावा, ये आप देख रहे होंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर भी है, इसके अलावा भी जो है खबरें छपी हैं, सोनू सूद ने जो है वो भी हेल्प की अपील की, मुख्तलिफ अखबारात में जो है खबरें छपी लेकिन अफसोस के वहां पे ना तो अंडानी सामने आया ना अंबानी सामने आया, वहां पे ना गोस्वामी सामने आया और ना ही मोदी सरकार सामने आई। और हुआ ये है कि सब गैब और बच्चे के जो गर्दन का हिस्सा है वहां पे वो कहते हैं कि शायद अब जो है वो हरकत करना बंद कर जाए या वो कमजोर होना शुरू हो गया है। उसके बाद जो है सोशल मीडिया ने वहां पे हिम्मत पकड़ी है, वहां के सोशल मीडिया और यूट्यूबर ये दोनों जो हैं मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उन्होंने फिर कोशिश की है और इसमें एक ट्रेंड बनाया गया है 16 करोड़ के नाम से और उसका रिजल्ट ये निकला है दोस्तों कि उसके रिजल्ट में तकरीबन जो है 4 करोड़ के लगभग जो है रकम वहां पे जमा हुई है। अब ये जो अमीर कबीर है वहां के, उनमें से एक भी सामने नहीं आया जिनके लिए अंबानी हूं या वहां के जो भी बड़े बड़े अंडानी अंबानी जो भी हूं उनके लिए ये 16 करोड़ रुपया जो था शायद ये बाएं हाथ का खेल था। लेकिन कहते हैं कि दिल बड़ा होना चाहिए, वहां पे दिल किसी ने नहीं दिखाया और बच्चा जो है वो हर गुजरते दिन के साथ मौत के मुंह में जा रहा है। अब जहां तक बात है सरहद के इस पार की तो यहां पे इतने ये जो 16 करोड़ की बात हो रही है, 135 करोड़ का इंडिया मुल्क है और वहां पे अगर जो है एक एक रुपया भी इकट्ठा हो तो कहां पे बात जाती है। लेकिन बात दिल की होती है दोस्तों, वहां पे यूट्यूबर ने दिल दिखाया है या सोशल मीडिया की वहां पे और या कुछ और लोगों ने, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जितने भी लोगों से ये पैसा इकट्ठा हुआ होगा वो भी वहां का गरीब तबका होगा, अमीरों ने उसमें हिस्सा नहीं डाला। अगर आप यहाँ की बात करें तो इतना जो इलाज है 16 करोड़ के लगभग का तो ये तो हमारा सिर्फ शौकत खाना में एक हफ्ते में लोगों का मुफ्त में किया जाता है। इसके अलावा हमारे जो अमीर तबका है वो मलिक रियाज हूं या कुछ और लोग हूं वो इससे ज्यादा तो वैसे ही डोनेट कर देते हैं, गरीबों को दे देते हैं। बात होती है दोस्तों दिल की, वहां पे आप देखें और यहां पे आप देखें, लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि मैं मुवाजना कर रहा हूं या इसको सियासत की नजर कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि वहां पे लोगों ने क्या किया है, उनको आगे आना चाहिए था और हाँ उस बच्चे के वालदैन से और उस बच्चे से हमारी हमदर्दियां हैं, चूंकि खुदा ना करे कि किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो और इस तरह की बीमारी का उसको सामना करना पड़े या इस तरह के हालात हों। और मेरा वहां के दोस्तों के लिए जो कि पाकिस्तान पे अक्सर तनकीद करते रहते हैं उनके लिए पैगाम है कि दोस्तों ठीक है अंडानी अंबानी आपके जो है इस वक्त काम नहीं आ रहे है, ना गोस्वामी सामने आ रहा है ना मोदी साहब आ रहे हैं ना
कुछ और हैं जो कि गौरवारियां हैं, इस तरह के लोग हैं जो कि जो है नफरतों के अलावा कुछ नहीं दे सकते। हमारी तरफ से एक मोहब्बत का पैगाम है, हमारे यहाँ कोई ऐसा आपका और हमारा मैकेनिज्म नहीं है। अगर मैकेनिज्म होता तो हमारी कौम में इतना दम है, और मुझे अपनी कौम पे फख्र है कि ये 16 करोड़ जो है ये एक जो आवर की मार थी, एक घंटे में हमारी जो कौम है वो पूरा करके दे देती। अब तक इतना ही, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्टेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।